हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट माय नेम इज शाहीन एंड इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर पार्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स यूजीसी नेट कॉमर्स का ये आप लोगों का पैटर्न रहेगा और इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी दो से तीन लेक्चर्स कवर कर चुके हैं बिज़नेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जिसमें हम लोगों ने बिज़नेस इकोनॉमिक्स के स्कोप इसकी इम्पोर्टेंस डिमांड डिमांड को बहुत डिटेल में जिसमें डिमांड की मूवमेंट आती है डिमांड की शिफ्टिंग uh, आती है और एक्सेप्शंस आती हैं इन सब को कवर किया है इसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पढ़ने से पहले एक ओवरव्यू आपको देना पड़ेगा कि ये होता क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है डिमांड कितना खिंच सकती है है ना कितनी शिफ्ट ऑन हो सकती है प्राइस के बदलने की वजह से डिमांड पे कितनी फ्लक्चुएशंस आती है इसको ही हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं ठीक है जैसे कि कुछ चीज़ों के लिए हम कहते हैं कि डिमांड यार बाद में बाद में बाद में हम करेंगे जैसे कि आप स्टडी को लेकर के मान लो कुछ स्टूडेंट्स का ये मानना होता है यार कल पढ़ लेंगे फिर थोड़े टाइम बाद फिर उसकी डिमांड को शिफ्ट ऑन कर देंगे फिर कर देंगे लेकिन अगर आप कुछ ऐसे पर्टिकुलर आइटम्स की बात करो जैसे मेडिकल वाली चीज़ें हैं ठीक है मेडिकल फैसिलिटी होती है या दवाइयाँ होती हैं जब आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ता है तो वो वाली एक ऐसी पर्टिकुलर चीज़ें होती है जहाँ पे आप डिमांड को शिफ्ट ऑन नहीं कर सकते भले ही प्राइजिज़ में फ्लक्चुएशंस आए तो ये ही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या लाता है डिमांड में कितनी फ्लक्चुएशंस आ रही है डिमांड कितना चेंज हो रही है वैन प्राइज़ विल चेंज जब प्राइस चेंज हो रहा है तो डिमांड कितना चेंज होती है इसके डिस्कशन करते हैं आप इसकी डेफिनेशन से लेके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कि जो डिफिनेशन है एज द मेजर ऑफ़ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ कंज्यूमर डिमांड फॉर अ गुड और सर्विसेज टू चेंज इन इट्स प्राइस प्राइस के बदलने की वजह से प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड में कितनी फ्लक्चुएशंस आ रही हैं या डिमांड कितना चेंज हो रही है इसी को हमने क्या बोल रखा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस कॉन्सेप्ट को फंडामेंटल इकोनॉमिक्स में लिया गया है इज़ यूज टू एनालाइज द रिलेशनशिप ये आपके रिलेशनशिप को दिखाता है किस किस के प्राइज़ और डिमांड प्राइस और डिमांड के रिलेशनशिप को इलास्टिसिटी शो करता है डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फॉर्मूला होता है वो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओके डिमांडेड एज़ कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ठीक है प्राइस में कितना चेंज आ रहा है ठीक है प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आ रहा है इसको ही हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ठीक है अब इसको ही आगे इलेबोरेट अगर आप करोगे तो आपके फॉर्मूले को डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू अपॉन में डेल्टा पी अपॉन में पी इन टू हंड्रेड से भी हम एनालाइज करते हैं और डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या होती है क्यू वन माइनस क्यू और पी की होती है पी वन माइनस पी ठीक है तो इस तरीके से हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन को गो थ्रू करते हैं नेक्स्ट इज मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कौन से मेथड्स होते हैं या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के क्या क्या तरीके होते हैं इनकी स्टडी करते हैं जैसे सबसे पहले जब प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड पहले इसके ग्राफ्स को समझते हैं ठीक है ग्राफ्स को समझने के बाद थ्योरी आप अपने आप समझ जाओगे चलो समझते हैं अच्छा अगर ये विजिबिलिटी में कोई इशू हो तो आप लोग मुझे बता सकते हो मैं इसकी डायग्राम को भी शो कर सकती हूँ वैसे विजिबिलिटी में ज्यादा कोई प्रॉब्लम होगी नहीं परफेक्टली इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है कि मैं डिमांड को शिफ्ट ऑन करती जा रही हूँ करती जा रही हूँ ठीक है तो यहाँ पे जो डिमांड है वो एक फ्लैक्चुएट मैनर में है ठीक है प्राइस की वजह से प्राइस तो यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड हम बढ़ाते जा रहे हैं हम उसको Q से Q1 पे दिखाते जा रहे हैं ठीक है कि बाद में क्वांटिटी डिमांडेड तो ये हो गया प्राइस इलास्टिसिटी जहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इक्वल्स टू इन्फिनी चली जाएगी Now, the next is perfectly inelastic demand. Perfectly inelastic demand कब होगी जब आपकी price में variation आ रही है लेकिन quantity आपकी क्वांटिटी सेम रह रही है क्वांटिटी में कोई भी चेंजेस नहीं है किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं है ठीक है आप देख रहे हो क्वांटिटी विल रिमेन द सेम प्राइस इतना है फिर प्राइस इतना है फिर प्राइस, इसका मतलब है कि क्वांटिटी क्या रख रहे हो आप भले ही प्राइस बढ़ रहा है फिर भी आप इसकी डिमांड को शिफ्ट ऑन नहीं कर रहे हो ठीक है प्राइस के बढ़ने की वजह से डिमांड शिफ्ट ऑन नहीं हो रही डिमांड आप कर रहे हो पर्टिकुलर कंपोजिट की नाउ इज यूनिट्री इलास्टिक यहाँ पे इलास्टिसिटी कितनी हो जाएगी इक्वल टू जीरो पता होना चाहिए आपको इन इलास्टिक के अंदर परफेक्टली इन इलास्टिक होती है तब क्या शेड्यूल होता है या परफेक्टली इलास्टिक होती है तब क्या शेड्यूल होता है आपको इस सबसे अवेयर होना चाहिए क्योंकि एग्जाम इनर डायग्राम के थ्रू एग्जाम इनर थियोरिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम इनर कैसे भी आपसे क्वेश्चन अराइज कर सकता है नेक्स्ट इज यूनिट्री इलास्टिक डिमांड की अगर मैं बात करूँ तो ये पे परसेंटेज चेंज जितना प्राइस में हो रहा है उतना ही परसेंटेज चेंज क्वांटिटी में हो रहा है जितना प्राइस में चेंज हो रहा है उतना क्वांटिटी में चेंज हो रहा है फर्स्ट वाले एग्जांपल में प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट है ना प्राइस यहाँ पे सेम रहा प्राइस में कोई चेंज नहीं आया लेकिन क्वांटिटी चेंज हुई इस वाले फेज में प्राइस बदला लेकिन क्वांटिटी सेम रही यहाँ पे क्या बोल रखा है जितना प्राइस में चेंज आया उतना ही क्वांटिटी में चेंज आया तो दैट विल बी यूनिटरी इलास्टिक अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन विच सिचुएशन परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ठीक है तो ये क्या होगा वन आप आप एक उससे सॉल्व भी कर सकते हो मान लो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल्स टू वन है तो इस सिनेरियो में क्या होगा ये वन इधर चला जाएगा तो जितना आपका परसेंटेज चेंज हो रहा है क्वांटिटी डिमांडेड में उतना ही चेंज कितने आएगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस प्राइस में भी इतना चेंज आ जाएगा ठीक है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे इस इक्वल चेंज इन प्राइस चलो ठीक है तो ये वाला हम लोगों ने पढ़ लिया अच्छा अब क्या बात करी गई है रिलेटिव इलास्टिक या रिलेटिवली इन इलास्टिक दोनों का क्या सिनेरियो है देखो रिलेटिव इलास्टिक का मतलब है कि यहाँ पे डिमांड में ज़्यादा चेंज आएगा प्राइस में कम चेंज आएगा और इन इलास्टिक का क्या मतलब है कि क्वांटिटी डिमांडेड में कम चेंज आएगा प्राइस में ज़्यादा चेंज आएगा तो आप लोग देख सकते होंगे कि प्राइस और ये प्राइस वन कितना चेंज आ रहा है और ये क्वांटिटी ये क्वांटिटी वन ये डिफरेंस है तो यहाँ पे प्राइस में कम चेंज होता है एज कंपेयर टू क्वांटिटी और यहाँ पे क्या बोल रखा है ये होता है कि क्वांटिटी में कम चेंज हो रहा है और प्राइस ज़्यादा वेरी कर रहा है तो इस सिचुएशन में प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड ज़्यादा होता है वन के कंपैरिजन और यहाँ पे प्राइस लाटी डिमांड लेस देन वन होता है तो ये ग्राफ क्या याद करने हैं हाँ ये ग्राफ अभी बनाने हैं हाँ जल्दी से इसको ड्रॉ करो जल्दी से इसको सारे के सारे पार्ट्स को ड्रॉ कर लो ताकि जब एग्ज़ाम में फ्रेम हो तो आप कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी आपको ना हो करो डन अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इसको किस तरीके से फ्रेम करना है नाउ अगर मैं इसे प्रीवियस की बात करूं तो दैट इज थ्योरी इसको भी अब मैं एक्सप्लेन कर देती हूं जब प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड ग्रेटर देन वन थी ठीक है पी ई डी तो ये कौन सी वाली सिचुएशन थी द डिमांड इज सेट टू बी इलास्टिक रिलेटिवली इलास्टिक थी इट मीन्स दैट स्मॉल चेंज इन प्राइस अगर मैं थोड़ा सा भी चेंज प्राइस में करूँगी तो क्वान्टिटी ज्यादा चेंज होगी याद करो कौन सा वाला सिनेरियो की बात कर रहे हैं ये ये वाले की जब प्राइस में थोड़ा सा चेंज और क्वांटिटी में ज्यादा सा चेंज ठीक है नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट कंप्लीट सेकंड पार्ट वेन प्राइज लास्टिव डिमांड इज लेस देन वन ये वाला कौन सा सीनारियो है ये वाला तो जो डिमांड है इस सेट टू बी रिलेटिव इन इलास्टिक इसका क्या मतलब है कि अगर प्राइस में ज़्यादा चेंज कर रही हूँ फिर भी क्वांटिटी कितनी चेंज हो रही है कम चेंज हो रही है ये ये वाला सिनेरियो है बच्चों ठीक है रिलेटिवली इन इलास्टिक ठीक है नेक्स्ट पार्ट की बात करती हूँ वी कैन ऑल्सो मेजर हम चेक कर सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थ्रू इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम डिमांड की इलास्टिसिटी इनकम के बेसिस पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बेसिस पे जो कि ये चेक करता है हाउ सेंसिटिव क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ़ अ गुड और सर्विसेज इज़ टू चेंज इन इनकम जब इनकम बदलती है तब डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ता है ठीक है तो ये कह रहे हैं कि डिमांड की इलास्टिसिटी ना केवल प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चेक कर सकते हैं हम इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चेक कर सकते हैं और इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करेंगे तो इनकम में जितना चेंज आया उसका क्या इंपैक्ट पड़ा डिमांड पे वो देखते हैं हम इनकम इलास्टिसिटी में नेक्स्ट इज क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर हमने देखा था कि कितने रिलेटेड गुड्स होते हैं टू गुड्स होते हैं कौन कौन से सब्सटीट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स सब्सिट्यूट गुड्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है तो उन्होंने बोला है जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो सेंसिटिविटी को चेक करता है ऑफ़ द क्वान्टिटी डिमांडेड वन गुड और सर्विस इज टू चेंज द प्राइस ऑफ अनदर गुड और सर्विस जब एक गुड और सर्विसेज के प्राइस बदलते हैं तो दूसरी गुड और सर्विसेज पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसके बारे में हम क्रॉस इलास्टिसिटी के अंदर डिस्कस करेंगे अच्छा अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है ये अदर गुड्स या रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं तो इनको आप लोग प्रीवियस लेक्चर से कवर कर सकते हो क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में इन डिटेल मैंने आपको बता रखा है ठीक है जिसमें डिमांड वाला बेसिक कॉन्सेप्ट डिमांड की बात करी थी उसमें मैंने क्लियरली बताया था कि अदर गुड्स में टू टाइप के गुड्स होते हैं एक सब्सिट्यूट गुड्स होता है एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है वो सब्सिट्यूट गुड्स क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं इन सब की डिस्कशन हमने डिटेल में की थी तो अब उसको गो थ्रू दोबारा नहीं करेंगे अब बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे नाउ टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसके कितने टाइप्स होते हैं तो सबसे पहले जो टाइप है दैट इज़ टाइप से पहले इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है डिग्री टू विच कंज्यूमर एडजस्ट दियर डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर गुड और सर्विसेज इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन इट्स प्राइस प्राइस के बदलने की वजह से कंज्यूमर अपनी डिमांड को कितना एडजस्ट करता है या कितना चेंज करता है उसको ही हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर बताया गया है इकोनॉमिस्ट प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड को समझते हैं ये देखने के लिए डिमांड को और सप्लाई को देखने के लिए अब डिमांड का और प्राइस का रिलेशनशिप नेगेटिव होता है इनवर्स रिलेशनशिप होता है तो एक और चीज के बारे में डिस्कशन अगर मैं करूँ तो यहाँ पे जो मैंने उस टाइम पे नहीं बताया था और यहाँ पे एक नेगेटिव सिंबल होता है ये इसीलिए नहीं बताया था कि आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई तो दैट इज़ वाई यहाँ पे नेगेटिव सिंबल लगेगा और देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस तो इसीलिए जब हम प्राइस की सप्लाई से चेक करेंगे ठीक है तब हम क्या करेंगे पॉजिटिव सिंबल लगाएंगे मतलब अगर ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होता तो क्या करते परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इन रिस्पॉन्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइज प्राइस के कितने और यहाँ पे रिलेशनशिप पॉजिटिव रहता है तो प्लस का सिंबल आ जाएगा ठीक है जी नेक्स्ट इज मैथड्स की हमने बात कर ली ये बात कर ली हमने टाइप्स की बात कर रहे थे तो इन एडिशन टू डिमांड सप्लाई जो है वो इलास्टिसिटी कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो कि ये चेक करता है एक रिलेशनशिप बताता है कि सप्लाई में कितना बदलाव आएगा अगर प्राइस में बदलाव होता है तो तो इलास्टिसिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है डिवाइडिंग द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो कि मैंने आपको लिख के दे दिया द टू इलास्टिसिटी हेल्प डिटरमाइन वट गुड्स आर प्रोड्यूस और ये जो दोनों ही इलास्टिसिटी हैं चाहे वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो चाहे वो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हो दोनों ही कहीं ना कहीं मदद करती है प्राइस को कैलकुलेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नाउ अब यहाँ पे टाइप्स बोले थे आपको है ना टाइप्स बोले थे तो टाइप्स में जो नंबर वन टाइप है दैट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब है अभी वही वाली बात पहले वाली कि इनकम अगर चेंज होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड पे कितना फर्क पड़ेगा परसेंटेज चेंज इन इनकम इन रिस्पांस टू क्वांटिटी डिमांडेड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो रिफ्लेक्ट करता है डिग्री ऑफ रिस्पोंसिवनेस इन कंज्यूमर डिमांड टू अल्ट्रेशन इन पर्सनल रिवेन्यू द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो दिखाती है शो करती है हाउ मच पीपल बाय कितना लोग खरीद रहे हैं वैन दे आर इनकम चेंजेज जब उनकी इनकम बदल रही है इनकम बढ़ रही है अब देखो चेंज अगर वर्ड बोला है ना तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना चेंज का मतलब इंक्रीज़ भी हो सकता है चेंज का मतलब डिक्रीज भी हो सकता है तो इनकम कितना चेंज हो रही है इन रिस्पॉन्स टू इनकम में कितना इनकम के चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज हो रहा है यू कैन यूज़ आप फॉर्मूला लिख सकते हो दैट इज़ कैलकुलेट इट बाई कंपेयरिंग द परसेंटेज इन वट पीपल बाई टू द परसेंटेज चेंज इन दियर इनकम परसेंटेज परसेंटेजेंटेज चेंज इन इनकम इन रिस्पॉन्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फिर क्या बोल रखा है This tells you if something is important or more like a luxury. तो वहाँ पे आप ये समझोगे कि कोई भी चीज़ कितनी इम्पॉर्टेंट है और अगर इनकम बढ़ती है तो वो जो इनकम वाला बढ़ा हुआ पार्ट होता है ये नेसेसरी गुड्स में इंक्लूड होता है या तो फिर लग्जरी आइटम्स में इंक्लूड होता है ना क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करूँ तो कितनी टाइप है दो टाइप हैं दैट इज़ सब्सिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक असेंशियल मैट्रिक है दैट द सेंसिटिविटी ऑफ़ कंज्यूमर डिमांड एक पर्टिकुलर गुड और सर्विस के लिए कंसर्निंग चेंजेस इन द प्राइस ऑफ डिफरेंट गुड्स अगर डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज में कितना चेंज आ रहा है प्राइस में क्रॉस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है हाउ मच पीपल चेंज कैसे लोग अपनी इन अपने जो है वो अदर गुड्स के लिए ट्राई करते हैं बाय व्हेन द प्राइस ऑफ समथिंग एल्स चेंजेस जब किसी और प्रोडक्ट के प्राइस बदलते हैं तब क्या क्वांटिटी डिमांडेड में फ़र्क आता है इट कैन हैपन्स विद थिंग्स दैट आर लाइक और गो टूगैदर इफ़ समथिंग कॉस्ट मोर अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा कॉस्ट कर रही है पीपल माइट स्टार्ट बाइंग लोग उसे खरीदने लगेंगे समथिंग एज इंस्टेड दैट कॉस्ट लेस ठीक है तो क्या बोल रखा है बेसिकली क्रॉस जो आपकी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इसमें दो कैटेगरी है सब्सिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड तो सब्सिट्यूट गुड्स का जो रिलेशन होता है प्राइस और डिमांड के बीच में वो पॉजिटिव होता है और जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है वो नेगेटिव होता है अब मैम आप किस बेसिस पे बोल रहे हो तो आप वो वाला लेक्चर गो थ्रू कर देना सब्सिट्यूट गुड्स का और कॉम्प्लीमेंट्री गुड का वो लेक्चर नंबर टू है डिमांड के जो कॉन्सेप्ट बताए हैं उसके अंदर ना हो नेक्स्ट वन इज फैक्टर्स अफेक्टिंग दो टाइप हमने डिस्कस कर लिए क्रॉस इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिसिटी फिर उसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं या वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके बढ़ने जिसके इंक्रीज या डिक्रीज होने से या जिसके चेंज होने से आप डिमांड में चेंज लाओगे सबसे पहले है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटिट्यूट देखो ध्यान से सुनना अगर एन नंबर ऑफ सब्सटिट्यूट आपके पास अवेलेबल हैं ठीक है तो आप अपनी डिमांड को शिफ्ट ऑन नहीं करोगे जैसे कि अगर मेरे पास टी के बजाय कॉफ़ी है कॉफ़ी की बजाय कोई और प्रोडक्ट है तो उसके लिए मैं क्या करूँगी अरे यार टी नहीं मिल रहा चल कॉफ़ी ले लो कॉफ़ी नहीं मिल रहा कोई और प्रोडक्ट ले लो ठीक है सब्सटीट्यूट गुड्स अवेलेबल है बट अगर सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है अ वेरी हाई कॉम्पिटिटिव मार्केट है और कॉम्पिटिटिव मार्केट है तो सब्सिट्यूट अवेलेबल होगा सब्सिट्यूट अवेलेबल है तो आपकी जो डिमांड है वो शिफ्ट ऑन नहीं होगी ना प्रेजेंस ऑफ सब्सिट्यूट हैज़ अ मोमेंटस इम्पैक्ट ऑन द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड जो अवेलेबिलिटी है वो रिलायबल सब्सटिट्यूट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में अगर प्रोडक्ट के बहुत सारे सब्सिट्यूट होते हैं तो उसकी डिमांड ज़्यादा इलास्टिक हो जाती है मीनिंग दैट प्राइस चेंजेस सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट डिमांड हाउवेवर अगर कुछ और या तो नई सब्सिट्यूट हैं तो डिमांड क्या होगी लेस इलास्टिक होगी न इनकम लेवल अगर इनकम लेवल इंक्रीज हो रहा है चेंज हो रहा है तो जो हाई इनकम ग्रुप हैं वो अपनी डिमांड को कम इलास्टिक रखेंगे शिफ्ट ऑन नहीं करेंगे जल्दी जल्दी लेकिन जो लो इनकम ग्रुप होते हैं वो अपनी डिमांड को शिफ्ट ऑन करेंगे क्योंकि वो बोलेंगे अभी नहीं थोड़े टाइम बाद हम उस प्रोडक्ट को ख़रीदेंगे तो इलास्टिसिटी ऑफ़ डिमांड इन्फ्लुएंस करता है कंज्यूमर का इनकम लेवल जो डिमांड है कमोडिटी का वो कम इलास्टिक होता है हाई इनकम ग्रुप के लिए और ज़्यादा होता है लो इनकम ग्रुप के लिए जो ज़्यादा लोग होते हैं रिच पीपल होते हैं वो प्राइस के बदलने की वजह से इतना ज़्यादा परेशान नहीं होते लेकिन पुअर पीपल को बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है अगर थोड़ी सी भी प्राइस में फ़्लक्चुएशंस आती है तो नेक्स्ट इज ब्रांड लॉयलिटी ये तो वर्ड इंपॉर्टेंट है और ये वर्ड आपने सुना भी होगा ब्रांड लोयालिटी का क्या मतलब होता है कि अगर कोई ब्रांड कॉन्शियस पर्सन है तो वो अपनी डिमांड को जल्दी जल्दी स्विच ऑफ स्विच ऑन नहीं करेगा मतलब दूसरे पे शिफ्ट नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू जो ब्रांड लॉयल नहीं है ब्रांड लॉयलिटी कंज्यूमर की कंसिस्टेंटली एक पर्टिकुलर ब्रांड को प्रिफरेबल बताती है ब्रांड लोयालिटी अनदर कॉम्पोनेंट है दैट हैज़ द पोटेंशियल टू इन्फ्लुएंस डिमांड इलास्टिसिटी जब कंज्यूमर डेमोन्स्ट्रेट करता है अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू अ स्पेसिफिक ब्रांड दे कैन बी डिक्लाइन टू स्विच टू अ मोर कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेट प्रोडक्ट स्विचिंग टू अ डिफरेंट ब्रांड अगर वो कोई डिफरेंट ब्रांड को स्विच करता है बिकम डिफिकल्ट रिगार्डलेस ऑफ प्राइस चेंज दस डिमांड फॉर द प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट का डिमांड है वो लेस रिस्पॉन्सिव बन जाएगा प्राइस के फ्लक्चुएट होने से उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर कोई ब्रांड लॉयल है तो टाइम द एक्सटेंट टू विच डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट चेंज इन रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन प्राइज तो उसको हम प्राइज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं डिग्री ऑफ़ इलास्टिसिटी वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन टाइम कंसीडरिंग कितना ज़्यादा पीरियड है शॉर्ट पीरियड है ये सेवरल इयर्स है अगर शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम है तो डिमांड को इतना ज़्यादा फर्दर फर्दर नहीं करेंगे लेकिन अगर बहुत टाइम पीरियड की बात है तो डिमांड को फर्दर शिफ्ट ऑन करते हैं प्रपोर्शन ऑफ़ इनकम अगर स्मॉल प्रपोर्शन इंक्लूडेड है तो डिमांड शिफ्ट नहीं की जाएगी लेकिन अगर लार्ज अमाउंट इनकम का स्पेंड होता है अब आप खुद सोचो आपकी इनकम है फिफ्टी थाउजेंड और फोर्टी थाउजेंड का कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो आप थोड़ा सा सोचोगे भाई मेरी इनकम इतनी है मुझे इतने का प्रोडक्ट लेकिन अगर आपकी इनकम है फिफ्टी थाउजेंड और कोई फाइव थाउजेंड का प्रोडक्ट खरीदना है तो इतना ज़्यादा नहीं सोचोगे तो यहाँ पे बोल रखा है अगर स्मॉल आपकी स्मॉल इनकम है स्मॉल इनकम का कोई हिस्सा है तो आप डिमांड को शिफ्ट ऑन जल्दी जल्दी नहीं करोगे लार्ज है तो आप डिमांड को शिफ्ट ऑन कर सकते हो कॉम्पिटिशन लेवल इज सिमिलर लाइक सब्सटिट्यूट अगर सब्सटिट्यूट अवेलेबल है तो आप डिमांड को ज़्यादा शिफ्ट ऑन नहीं करोगे रिलेटिवली लेस इलास्टिक रहेगी एज़ कंपेयर टू अदर व्हेन मैनी कंपनीज जहाँ पे अलग अलग कंपनी सेल कर रही होंगी सिमिलर थिंग्स इन मार्केट कंपनी मस्ट बी केयरफुल एंड चेंज दियर प्राइज बेस्ड ऑन व्हाट पीपल लोग कैसा खरीद रहे हैं इसी को हम इलास्टिस डिमांड बोलते हैं पीपल वॉन्ट टू पीपल वॉन्ट वॉन्ट टू पे मच देखो पीपल नहीं चाहते कि वो खरीदें कि वो ज़्यादा पे करें इजिली बी रिप्लेस विद समथिंग एल्स वहाँ पे वो क्या कर देते हैं आसानी से कहीं और पे शिफ्ट कर देते हैं प्राइस इलास्टिसटी ऑफ डिमांड की अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो रियल एग्जाम्पल है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फास्ट फूड अगर उनके प्राइजिस वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं तो वी विल कीप ट्राइंग ऑन मेकिंग दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट कुकिंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स ठीक है हम बनाने लग जाते हैं हम पकाने लग जाते हैं उन चीज़ को इन होम लेकिन अगर वही चीज़ सस्ती हो जाती है तो हम मार्केट की तरफ शिफ्ट ऑन हो जाते हैं तो इन्होंने बोला है रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी सीन इन द मार्केट फ़ास्ट फूड की इफ़ द वैल्यू ऑफ फास्ट फूड अगर फास्ट फूड बढ़ते हैं कंज्यूमर चूज करता है उनकी यूटिलाइजेशन वो खुद घर में बनाता है और सेलेक्ट करता है मोर इकोनॉमिकल सब्सटीट्यूट जैसे कि सैंडविच फ्रॉम अ कन्वीनियंस स्टोर ऑन द अदर हैंड अगर फास्ट फूड के प्राइजेस घटते हैं तो कंज्यूमर उसको बाहर से ख़रीदना ज़्यादा प्रेफरेबल बताता है ठीक है तो अब यहाँ पे आपका इलास्टिसिटी वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया इसमें हमने क्या क्या सीखा इलास्टिसिटी क्या होती है इलास्टिसिटी के कितने मेथड्स होते हैं इलास्टिक elastic, जो इलास्टिसिटी होती है उसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेज़ेंट किया जाता है वो कितने टाइप्स हैं जहाँ पे इलास्टिसिटी को कवर किया है और लास्ट में हमने सीखा वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इलास्टिक डिमांड को ज्यादा या कम इलास्टिक बनाते हैं और एक एग्जाम्पल को भी रियल लाइफ एग्जाम्पल को भी डिस्कस किया तो होपफुली जो इलास्टिसिटी है वो उसका पूरा जिस्ट आपको मिल चुका होगा अब आपको क्या करना है इलास्टिक के सारे के सारे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने एम सी क्यूज पी वाई वगैरह ट्राई करो और देखो क्या इस टॉपिक के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है और कितने टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक में से अरेंज हो रहे हैं ठीक है और कोई भी टाइप का डाउट होता है इस पर्टिकुलर लेक्चर वीडियो से रिलेटेड या आपको कोई और टाइप की लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट है तो आप लोग मेंशन कर सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर ठीक है और आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो मिलते हैं तब तक थैंक यू फॉर वच